हेलो यूट्यूब, सो व्हाट इज अप गाइस। सो फाइनली गाइस, आज है नेक्स्ट डे और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं चूजर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ तो आपको पता लगी क्या होगा कौन है, मेरे साथ है कार्तिक भाई। मिलने का तो प्लान नहीं था, बट ये चूजा ना यार कोई पता नहीं होता इसका, तो भाई मैं आज कार्तिक भाई को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। वेदर तो हो रखा है एकदम ऑसम। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा गाइस, ये हेड वगैरह की ना तो मतलब हालत खराब हो गई थी, और अभी हम जा रहे हैं एक अलग रास्ते से, मीन्स ये एक शॉर्ट रास्ता है। एंड गाइस, आज मैं फुल किट के साथ हूँ, देख सकते हो मैंने शूज़ वगैरह पहन के रखे हैं। कार्तिक भाई भी मतलब बोर हो रहे थे घर पे, मैंने बोला कार्तिक भाई चलो अभी माउंटेन्स चेक करो भाई, ऊपर ना पूरी बर्फ़ पड़ रखी है अभी तो, मतलब ना ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है अपने हिमाचल में। भाई ये वाला टर्न बहुत गंदा है यार धर्मशाला रोड पर। बाकी जो ये टर्न्स है ना यार, यहाँ पे ना लेनिंग करने का बहुत मज़ा आता है, बस ये हो यहाँ पे ना कोई गाड़ी वगैरह ना आ जाए। अपने को तो लेग नीचे लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज अपने टायर्स वैसे नहीं है, इसको लीनिंग करने के ना वेज ही अलग है। क्रेजी, वो देखो भाई, ये देखो भाई, इनको पता है सामने से आ रही है बाइक आ रही है, फिर भी इन्हें ओवरटेक लेना है। भाई लेना है तो लेना है। और यार यहाँ पे जंप था, मुझे जंप लेना चाहिए था। चेक आउट द रिएक्शंस गाइस, व्हाट अ व्यू मैन। लोग पहुँच चुके अपनी लोकेशन में, और ये देखो यहाँ पे टी गार्डन है, और इस तरफ भी टी गार्डन है, और यहाँ पे मतलब ज़्यादा बंदे नहीं होते हैं, बस थोड़ा बहुत टूरिस्ट होता है। रिएक्शंस मिल रहे हैं खतरनाक ही बस के अंदर यार। हाँ फिर से करो ना फिर से, अरे बता दो सो गाइस यहाँ पे रुके हुए हैं, देख लो चामुंडा मंदिर के पास, ये नीचे मंदिर है, और चूज़ दिन आना है भाई इस रास्ते से। देखो भाई यहाँ से दिख जाएगी वो सामने से आती हुई हमें, तो वेट करते हैं उसका। 2 hours later तेरे को पता ना यार, अब मैं मेरे को क्या पता भाई, पहले कुछ खा लेते हैं, चलो चल यार उस शॉप पे बहुत भीड़ था। सो फाइनली गाइस ये आ चुके हैं 3 घंटे बाद अभी निकल रहे हैं यहाँ से, खतरनाक ही ये डाल रहे थे कार्तिक भाई, पक्का गिरी है कहीं यार मालिक कुछ खिला दो। तो भाई वो देखो वो पहुँच गई है फाइनली, चलते हैं भाई, चलो भाई करो टर्न। भाई आप लोगों ने कभी इतना वेट किया है, 2 घंटे यार। देखो यार अभी तो ना वेदर भी कैसा हो गया, हमारा फोटोशूट का प्लान था, फोटोशूट भी नहीं हो पाएगा। ओ मेरी क्लच प्लेट्स ओवर क्यों जा रही है ये, अभी कोई प्लान डिसाइड नहीं है गाइस, क्या करेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो कार्तिक भाई और मैंने कुछ नहीं खाया था, तो अभी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं ओ गाड़ी रॉन्ग साइड है, कार्तिक भाई का छोटू भी आ रहा है, पूछ ले क्या ये किसके लिए लेके आया तू। 3 minutes later सो फाइनली गाइस यहाँ पे रुके हुए थे हम, चूजा जा चुका है गाइस, वो आज घर जा रही थी ना, दैट्स व्हाई मैं उसको छोड़ने के लिए आया था। तो चलते हैं भाई घर। गाइस आपको पूरी तरह से मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि मैं करूँगा भाई फुल ऑन एडिट करूँगा। ओ भाई ये फिर से आ गया ओ भाई ये तो डरा रहा है बंदा यार, खतरनाक ही क्रेजी मैन, गाड़ी वाला खज्जल हो गया होगा, करा गया इसने। तो मन था ब्लॉग शूट करने का और फोटो शूट करने का, ये हो नहीं भाया, और मैं इतनी ज़्यादा साउंड छोड़ रही है ना फॉक्सी, एक्चुअली में इसके क्लच प्लेट चेंज करवाने पड़ेंगे, मुझे कब भी चेंज करवाना पड़ेगा इसका। और गाइस इसी तरह से हम लोग पहुँच रहे हैं जिगजैग वाले टर्न्स पे, और यहाँ पे ना ऐसे जिगजैग करके उतरना पड़ेगा नीचे को, दैट क्रेजी भाई। लोग पेट्रोल तो मैंने भी फ्यूल अप नहीं करवाया। ओ भाई 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 ये चेक करो गाइस, भाई यहाँ पे हमने रख दिया न्यूट्रल, क्या कलर करवा रखा है जिप्सी पर, अमेजिंग मैन, वाओ व्हाट अ व्यू मैन, ओ क्रेजी। अरे भाई ये क्या गिरा हुआ, ऑयल गिरा हुआ है क्या, कार्तिक भाई बोल रहे भाई जल्दी चलो, बिकॉज वो बिकॉज अभी अंधेरा हो जाएगा। वो कार्तिक भाई ओ क्रेजी मैन। तो भाई जब भी ऐसे टर्न आते हैं मुझे गियर शिफ्ट करके ना ये टर्न, ओ भाई साहब क्या लग रहा है यार व्यू। तो यहाँ से लेंगे हम राइट, कार्तिक भाई इस टाइम ना आंख में पता नहीं क्या क्या ज़्यादा रहता है, देख के चलना पड़ता है। जो टर्न्स है ना ये टर्न्स भी बड़े खतरनाक है, मतलब अगर कटा नहीं तो सीधा किसी के घर के अंदर ही घुस जाएंगे। और भाई मैंने ब्रेक ऐसा करवा लिया कि मतलब अगर मैं हल्का सा ब्रेक अप्लाई करता हूँ ना सीधा स्टॉप ही लगेगा, बिकॉज मैंने सारा अपना डिस्क का जो भी होता आगे का सब कुछ चेंज कर दिया। भाई ब्लर दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, क्रेजी। बस कार दिख भाई का एबीएस ब्रेक है, एबीएस है ना,
तो कहा थी भाई की ब्रेक ना कहीं पर भी मतलब बाइक रुक सकती है, क्योंकि ABS वगैरह मैं यूज़ नहीं करता हूँ गाइस। मैंने पहले भी बोला आपको, मैंने सारे ABS मोड्स इसके निकाल दिए हैं, सेंसर जो भी होते हैं भाई। विदाउट क्लच प्लेट से बाइक इतना भाग रहा है ना क्लच प्लेट्स के बाद, तो मतलब मेरे को लग रहा है ना गोली बनने वाली है इसकी। बिकॉज जो मेरा ऊपर का जो सब कुछ नया डाला ना भाई, वो कसम से यार वो बहुत पावर दे रहा है बाइक को भाई। ये व्यू देखो यार गाइस, देखो यार स्काई का तो कलर ही चेंज हो गया पूरा, दैट्स क्रेजी। सो भाई इसी तरह से हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। वाओ भाई क्या लग रहा है यार, 1 2 एंड तीसरे गियर पे मेरा हल्के से टायर स्किट होता है, मतलब ट्विस्ट होता है, उसको ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। सो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। सो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।